नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ादी। मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम पटना कमिश्नर कार्यालय पे हैं और शिक्षक नियोजन नियमावली 2023 को लेकर आज भी शिक्षक सरकार के मनाही के बावजूद बड़ी तादाद में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शिक्षक नेता हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं इस पूरे मसले पे। सर, क्या नाम हो गया आपका? विजय कुमार सिंह। क्या प्रदर्शन, मुझे जहाँ तक जानकारी है, सारण में, पटना में शानदार तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है, जिसमें लगभग 2,000-5,000 यहाँ के रिपोर्टेड है, 10,000 लोगों की, शिक्षकों की भीड़ हुई थी और काफ़ी उत्साह है। और यह जो नियमावली निकली है और सरकार ने जो अपर मुख्य सचिव ने जो पत्र निकाला है, उस पत्र के बावजूद हमारे शिक्षक डरे नहीं हैं, भयभीत नहीं हुए हैं और बड़े साहस और उत्साह के साथ प्रदर्शन में शामिल हैं। और हमें उम्मीद है कि हम जो अध्यापक नियमावली 2023 को निश्चित रूप से संशोधन कराएंगे, यही आह्वान है। और 22 तारीख से हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रारंभ होगा और ग्रीष्मावकाश के पूर्व तक चले। शिक्षक नियोजन नियमावली के विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा विभाग की साफ तौर पे मनाही थी कि कोई भी शिक्षक अगर प्रदर्शन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बावजूद आप लोगों ने किया, तो क्या ये माना जाए कि आप लोग पे कार्रवाई होगी? हमला चाहे जितना होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से यह आंदोलन चला रहे हैं, हम लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल यह आंदोलन चला रहे हैं, इसलिए। और गांधी जी का जो सत्याग्रह है, उसका आधार पर हम आंदोलन चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार और भारतीय संविधान की धारा 19 के अनुच्छेद 19 के अनुसार यह धरना प्रदर्शन करने, संगठन बनाने, और यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और यदि इस लोकतांत्रिक अधिकार को कोई सरकार छीनती है तो उसके खिलाफ हम ही नहीं, पूरे राज्य की जो जनता है, राज्य के और ट्रेड यूनियन और तमाम लोग हैं, सब एकजुट है इस मौके पर। और हमें उम्मीद है कि इस बड़ी मुहिम में हम अवश्य विजयी होंगे। सर, सरकार तो अपने जीत पे अड़ी हुई है कि शिक्षकों को जो BPSC के तहत एग्जाम देना ही होगा, तो फिर भी आप लोगों का प्रदर्शन? भले एक दो बात जान लीजिए, आप दो दो बार इसको शिक्षक नियोजन नियमावली कर रहे हैं, यह अध्यापक नियमावली 2023 है, अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 है, इसमें शिक्षक नियोजन नियमावली नहीं। और इस नियमावली के तहत बिहार के 4,00,000 पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय संस्थानों में नियुक्त सारे शिक्षकों के गाल पर एक तमाचा है। और आप कहते हैं कि सरकार कहती है कि हम परीक्षा लेंगे, आप उसमें आइए, लेकिन सरकार ने जो प्रक्रिया तय किया है इसमें कोई वेतनमान नहीं है। पहले यह बात जान लीजिए, कहता है कि 21,000 में मास्टर बहाल होगा, 25,000 में बहाल होगा, 30,000 में बहाल होगा। BPSC से जब बहाली होती है तो उसमें कोई एक वेतनमान होता है, और यह हमारे नियोजित शिक्षकों के जीवन को काली अंधियारी रात में ठेल देने की बिहार सरकार की साजिश है। आज बिहार के 9 प्रमंडल में भारी मात्रा में शिक्षक रोड पर आए हैं और हमारा यह प्रदर्शन सफल है। हम 22 तारीख से जिलावार धरना कार्यक्रम करेंगे और फिर धरना कार्यक्रम करेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि हम लोग इनकलाब के रास्ते पर चलते हैं, और हमारे मौलिक हक को रौंदने की कोशिश जो बिहार सरकार कर रही है, इसको बिहार का शिक्षक और बिहार की जनता कतई बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। इसलिए हम इस नियोजन नियमावली में संशोधन कराएंगे और हम अपने तमाम नियोजित शिक्षकों जिनकी नियुक्ति 2006 से लेकर 2020 तक हुई है, तमाम को राज्यकर्मी का दर्जा दिलवा करके ही दम लेंगे, नहीं तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे इसके लिए हमें कितना ही सितम उठाना पड़े, हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम गोरख पांडे की पंक्ति को याद करते हैं कि ख़त्म हो लूट किस तरह जवाब इनकलाब है, ख़त्म हो किस तरह सितम जवाब इनकलाब है, बढ़ो कि बढ़ चलो युग प्रवाह इनकलाब है। हमारे शिक्षा कभी इनकलाबी मुद्रा में है, लड़ने की मुद्रा में है, और हम कामयाब होंगे। हम अध्यापक नियोजन नियमावली जो है, अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023, इसमें संशोधन करा के दम लेंगे और हम अपने शिक्षकों के वाजिब हक को भी लेंगे। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम शशिभूषण दुबे है, मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक शैक्षिक परिषद का सचिव हूँ। तो ना अपने यहाँ पे हम शिक्षक नेताओं से बातचीत कर रहे थे कमिश्नर कार्यालय पे, इस वक्त कमिश्नर कार्यालय पटना पे इस वक्त हमें
इन लोगों का साफ कहना है कि हम लोगों का जो मांग है कि बिना शर्त सभी शिक्षकों को जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दे दिया जाता तब तक जो है शिक्षकों का प्रदर्शन या विरोध जो है अनवरत जारी रहेगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।